खबर गाजीपुर जनपद से। जयनगर पंचायत सादात के रहने वाले अमित गुप्ता का शव सादात रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के दक्षिण तरफ लाइन के किनारे मिला। पहचान होने पर पता चला कि यह सब्जी बेचने वाले अमित गुप्ता का शव है। मृतक माँ बाप का इकलौता संतान था, आज बुढ़ापे का सहारा भी छिन गया। सूचना मिलते उनके माता पिता घटना स्थल पर पहुंचे, 112 पर कॉल कर बताया। सादात थाने के एसओ प्रवीण यादव मौके पर पहुंचे और शव पर 100 जीआरपी और यार थाना क्षेत्र होने के कारणवश जीआरपी द्वारा ले जाया गया। इस दौरान मृतक के पिता ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। सब बेच दिए। क्या नाम चाचा आपका? गोपाल गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रहते अभी पानी टंकी में। पानी टंकी में रघुवर चौराहा पानी टंकी। ये जो अभी लाश मिली आपके लड़के की है? जी। क्या नाम इसका है? अमित गुप्ता। तो क्या मैटर है इसमें, कुछ क्या बता रहे हैं? मैटर है कि हमारा गोतिया से झगड़ा चल रहा था जी, जमीन के मामला में जी। हमको एक हफ्ता पहले बंटवारा एसडीएम साहब तहसीलदार साहब किए तो 3 फीट जमीन दिए 81 में, और बाकी 82-83 अलग का नंबर था तो उसमें हमको नहीं दिए, तो बेच दिए चुपे चुपे। तो उसमें हम आपत्ति लगे ले, तो बोले आपत्ति हटा लो ना तो बहुत बुरा होगा। रोज यही बात बोलते। कौन बोलता था? बलराम। बलराम संतोष एगो डॉक्टर दवाई दुकान है संतोष। अच्छा, तो आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ? आज देख रहे हैं कि इसको मार के ने बिगल है किनारे में, लाइन किनारे जी। तो थाने पे आप खबर दिए हैं? थाना पर हम नहीं जा सके, 112 में खबर दी है। 112 फोन किए तो थाना अध्यक्ष आए थे, लाश को ले गए। आए थे लाश जीआरपी वाले ले जा रहे हैं जी।